हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तोफिक और हम फोनफिक्स एचओडी टीम की तरफ से एक अपडेट देना चाहते हैं आपको। जैसा कि आज एक यूओफाई के अंदर एक अपडेट आया है जो कि लेटेस्ट वर्जन का एक टूल आया है, और उसके अंदर क्या अपडेट आपको न्यू मिलने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या आपको इस वीडियो में जो अपडेट आया है हमारा यूओफाई का 2. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ओल्ड वाला टूल है यूओफाई वर्जन 1.6.0.2.02 का, ये एक ओल्ड वाला टूल है। तो इसके अंदर एक लेटेस्ट टूल आ चुका है, मैं आपको यहाँ पे लाइव बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ओल्ड वाला टूल को ओपन कर रहा हूँ, यूओफाई ईएमएमसी टूल बॉक्स को। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट टूल इसके अंदर कौन सा वर्जन आया है और उसके अंदर क्या फीचर्स उसमें नए आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले ये टूल को ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये ओल्ड वाला टूल है और इसके ऊपर एक बार आपको एक अपडेट के लिए ऑप्शन आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक यूओफाई सॉफ्टवेयर वर्जन बता रहा है 1.7.0.2.61। ये वाला अभी का एक लेटेस्ट टूल है जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर बता रहा है कि यूओफाई फर्मवेयर वर्जन 1.15, आरपीएम भी रीड एंड राइट वगैरह सब कुछ कर सकता है ये एंड्रॉइड टूल के अंदर। उसके बाद आरपीएम भी रीड राइट, ये सारा कुछ ऑप्शन आपको मैं इस टूल में बताऊंगा कि क्या क्या करना है। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और इस टूल को हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये टूल को लेटेस्ट फर्मवेयर से अपग्रेड कर लेंगे। उसके बाद इस टूल को ओपन करके हम यहाँ पे बताएंगे आपको ऑप्शंस इसमें क्या न्यू आया है। आप ये देख सकते हैं प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम जो टैब में है यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, जैसे कि आपको पूरा ब्लैंक है। तो न्यू वाले जो टैब है जो अभी न्यू अपडेट आया है उसके अंदर आपको स्पेशल टास्क मिलेगा देखने, और उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस ऐड किया हुआ है मैं उसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो चीज क्या कैसे यूज करते हैं। चलो एक बार इसको ओके कर लेते हैं और फिर से टूल ओपन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये टूल हमारा ओल्ड वाला वर्जन का है, एक बार देखते हैं इसको अपडेट कर लेंगे हम। सिंक्रोनाइज कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी नीचे जो फाइल्स डाउनलोड हो रही है, जो अपडेट वाली टूल की फाइल होती है ये वन बाय वन करके यहाँ पे फाइलें डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और ये दो फाइल जो फेल्ड हो रही है ये ऑलरेडी मेरे पास है, इसके लिए ये फेल्ड हो रहा है। बस ये यूओफाई का टूल को अपडेट करेगा, बाकी ये जो है क्वालकॉम और मीडियाटेक बता रहा है ये इसको कुछ नहीं करेगा। चलो इसके बाद यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाता है टूल और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी आप यहां देख सकते हैं यहाँ पे टूल वर्जन चेंज हो गया 1.7.0.2.61। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक लेटेस्ट टूल अभी का आया है आज का डेट जो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेशल टास्क का ऑप्शन आया है जो पुराने टूल में नहीं था, और जो उसमें फंक्शन आए वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये चीज कैसे वर्क करती है। तो जैसे कि यहाँ आईसी कनेक्ट नहीं है, ये पूरा हाइड है। एक बार मैं ये आईसी को एक एमएमसी को डिटेक्ट करके आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप एक सैमसंग की ईएमएमसी लगी है और 64 GB इसका साइज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके अंदर रेडमी 4X का ईएमएमसी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ईएमएमसी है और इसके अंदर आरपीएम भी जनरेट है, जैसे कि देख सकते हैं आप इसका आरपीएम भी क्लीन नहीं किया हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी आरपीएम भी है। तो ये जो चीज अपडेट जो आज के इस टूल में दिया है जो इजी अटैक के अंदर था, जैसे कि हम आरपीएम भी तो क्लीन कर सकते थे यूओफाई के अंदर, लेकिन इसके अंदर हेक्सा की जो हम जनरेट करते थे आरपीएम भी प्रोविजन काउंटर वो नहीं कर पाते थे जो इजी अटैक में करना पड़ता था, लेकिन अब इसके अंदर भी हम वो चीजें कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों टूल के बारे में बताऊंगा, ईएमएमसी टूल एंड एंड्रॉयड वर्जन टूल, ठीक है। ये दोनों टूल के अंदर क्या अपडेट आया है वो मैं आपको यहां दिखाता हूं। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फॉर्मवेयर है, अब इसका आरपीएम भी अगर मुझे क्लीन करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से उसको रीड फॉर्मवेयर करते हैं, जो FFU फाइल बोलते हैं जिसको, उसको यहाँ से रीड करके वापस हम यहाँ पे अपडेट पे जाके उसको राइट करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये चीज नहीं करना है आपको, वन क्लिक में ये सारा कुछ काम हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे पहले क्या करते थे,
फैक्ट्री इरेज करते थे, पूरा डाटा उड़ा के उसको इरेज कर देना है, उसके बाद फिर रीड फर्मवेयर FFU फाइल, उसके बाद अपडेट EMMC FW फाइल क्लिक करते थे। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ वन क्लिक करना है और वन क्लिक में आपका EMMC इरेज भी हो जाएगा, उसके बाद रीड EMMC फाइल को भी रीड कर लेगा और राइट भी कर लेगा। तो इसके लिए आपको करना यह है, स्पेशल टास्क में आना है। अब आप यहां देख सकते हैं अपडेट EMMC X फाइल फर्मवेयर बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे सिक्योर वाइप ये सारे चीजें बता रहे हैं, और उसके बाद मूव इन एंड EMMC फुल रिसेट रिसेट RPMB ECC एरर फैक्ट्री रिसेट, मतलब ये वन क्लिक में आपका फैक्ट्री रिसेट भी हो जाएगा, उसके बाद आपकी FFU फाइल को रीड करेगा और वापस से क्लीन RPMB क्लीन करके EMMC को राइट भी करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव बताने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इसमें फर्मवेयर है और इसका RPMB भी इसके अंदर अभी जनरेट है, तो मैं यहाँ पे इरेज नहीं कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे वन क्लिक में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये वन क्लिक ऑप्शन आ चुका है UEFI के टूल के अंदर। तो आपको यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले EMMC को यहाँ पे फुल रिसेट कर रहा है, तो पहले रिसेट होने देंगे। नेक्स्ट इसके बाद ये फाइल को रीड करेगा, FFU फाइल जैसे हम यहां से रीड करते थे वो खुद ही रीड करेगा और अपडेट भी ये खुद ही करेगा। तो आप यहां पे लाइव देखिए, पूरा एंड तक वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसने ऑलरेडी यहां पे देख सकते हैं रीड फुल रिसेट कर लिया और यहां पे अभी फाइल को रीड कर लिया है, ठीक है, फैक्ट्री रिसेट भी कर लिया और उसके बाद FFU फाइल को भी रीड कर लिया। अब यहां पे जो हो रहा है जो प्रोसेस, ये अपडेट वाला प्रोसेस चल रहा है। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, कुछ मिनिमम 15 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो देखेंगे यहां पे हमारा EMMC RPMB क्लीन होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करेंगे क्योंकि यहां पे ये फाइल अपडेटिंग हो रही है और इसके बीच में अगर आपको IC निकालना नहीं है, अगर आप IC निकाल देते हैं बीच में या टूल को बंद कर देते हैं तो इसमें आपकी IC डेड होने के चांसेस भी होते हैं और इसका FFU फाइल करप्ट भी हो जाता है। तो इसके दौरान आपका ये जो साइज बता रहा है 64 GB का, ये 0 GB शो करेगा यहाँ पे। तो आपको बीच में कुछ भी करना नहीं है, वेट करना है, थोड़ा सा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने देना है। उसके बिना यहाँ पे अगर आप बीच में कुछ टूल को कट कर देते हैं या फिर आपका PC बंद हो जाता है या फिर अगर आप IC निकाल देते हैं बीच में तो आपका IC डैमेज हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं प्रोग्रामिंग CID डन आ चुका है यहाँ पे, इसका मतलब हमारा अपडेट EMMC FW यहाँ पे हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे एक बार आइडेंटिफाई कर लेते EMMC को। तो आप यहां देख सकते हैं यहां पे 4A का जो Redmi 4 का जो बता रहा था फर्मवेयर वर्जन, यहां पे वो चला भी गया और यहां पे RPMB भी आप देख सकते हैं क्लीन भी कर दिया है वन क्लिक में, RPMB को रीड करके राइट भी कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे फ्रेशर जो बंदे होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, RPMB को क्लीन नहीं कर पाते, EMMC को बीच में डेट कर देते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उनको समझ नहीं आता। तो ये चीज सबसे बेस्ट है उनके लिए कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है RPMB कैसे रीड करना है, कैसे रिसेट करना है, कैसे उसको RPMB क्लीन करना है, तो आपको यहां से करने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली वन क्लिक में स्पेशल टास्क में जाएंगे और यहां पे आप उसको वन क्लिक में कर देंगे। तो इसमें सारा रिसेट भी हो जाएगा और RPMB क्लीन भी हो जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं ये तो एक ऑप्शन आ चुका है और एक ऑप्शन ऐड किया हुआ है। आप यहां देख सकते हैं प्रोग्राम RPMB की RPMB प्रोविजन प्रोविजनिंग, मतलब आपका पहले ये अपडेट नहीं था, ये सिर्फ इजी अटैक टूल में होता था, लेकिन अब UEFI में भी ये सब चीज कर सकते हैं। मतलब इसका RPMB जनरेट करना है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां पे ऑथेंटिकेशन नॉट की नॉट एट प्रोग्राम बता रहा है, जैसे कि RPMB क्लीन है, ठीक है। वापस से मुझे प्रोविजन काउंटर अगर कर रहा है तो इसको कैसे करेंगे, मैं आपको यहां पे एक प्रोसेस दिखाऊंगा। यहां पे मैं फिर से इसको जनरेट करूंगा काउंटर को, तो वापस से स्पेशल टास्क में आ जाऊंगा। और यहां पे जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूं तो मुझे एक ऑप्शन आ रहा है, एरर आ रहा है, जैसे कि बता रहा है RPMB वॉज नॉट सेट, प्लीज सेट RPMB की। तो आपको यहां सबसे पहले RPMB की का जो हेक्स की होता है, हेक्स की वो हमें यहां पे इंटर करना है। तो इंटर करने के लिए आप यहां देख सकते हैं यहां पे एक ब्लिंक हो रहा है, देखो RPMB का एक सामने एक की दिख रहा है जिसके अंदर एक ऑप्शन आया है जो पहले नहीं था, अभी ऐड किया हुआ है।
इस पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं कस्टम की, अगर आपके पास आरपीएमबी फाइल है आप आरपीएमबी फाइल यहां से दे सकते हैं। अगर आपके पास इंटर की अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहां से एंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे एंटर आरपीएमबी की, तो यहां पे दो ऑप्शन है, एक नेम है और एक आरपीएमबी की। तो नेम को हम यहां पे ब्लैंक कर देंगे, कुछ भी इशू नहीं यहां पे छोड़ देंगे, बस आरपीएमबी के अंदर की हमें यहां पे डालना है जो कि यहां पे हेक्स फॉर्मेट बता रहा है। तो मेरे पास यहां पे आरपीएमबी की है, जैसे कि रेडमी के लिए स्पेशल यहां पे मेरे पास की है, तो ये सभी के अंदर होता है। ये वाला की को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां आके मैं इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पे मेरी ये आरपीएमबी की आ चुकी है और इसको मैं कर लेता हूं ओके। ठीक है, अब ये ओके हो गया, राइट नहीं हुआ है। राइट करने के लिए फिर हमें वापस स्पेशल टास्क में जाना है, क्योंकि हमने यहां पे आरपीएमबी को की यहां से डाल दी है और यहां स्पेशल टास्क में आके प्रोग्राम आरपीएमबी की पे क्लिक कर लेंगे। अब यहां पे हमारा आरपीएमबी की को जनरेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये हो चुका है डन। और एक बार फिर से हम यहां पे आइडेंटिफाई को क्लिक कर लेते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वापस से मेरा प्रोविजन काउंटर यहां पे शो करने लग गया है, काउंटर जीरो। अब इसके अंदर आप एमएमसी वापस लगाते हैं तो यहां पे काउंटर काउंट होना शुरू हो जाता है, या आप आरपीएमबी की फाइल यहां से डाल दो। ठीक है, यहां से अगर आरपीएमबी फाइल डालेंगे तो यहां पे काउंटर आ जाएगा। तो इसके अंदर ये यूफाई के अंदर नया अपडेट आया है जो आरपीएमबी को क्लीन करके वन क्लिक में करता है और राइट भी कर रहा है, जो कि इजी अटैक में कर रहा था, अब ये यूफाई के अंदर भी आ चुका है। अब ये तो हो गई है ईएमएमसी टूल की अपडेट। अब हम ईएमएमसी का यूएफआई एंड्रॉइड टूल के बारे में बताएंगे। ये तो हमारा ईएमएमसी वाला काम हो गया है, अब मैं मीडियाटेक के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसमें एक नया अपडेट आया है एंड्रॉइड टूल के लिए, तो मैं यूएफआई एंड्रॉइड टूल ओपन करके दिखा देता हूं आपको सबसे पहले। तो इसके अंदर नया अपडेट क्या आया है मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो टूल ओपन होने देंगे, वेट करते हैं थोड़ा सा। किसी के पास ये थोड़ा सा लेट खुलता है, किसी के पास थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसको टूल ओपन होने तक। तो यहां पे जैसे कि टूल हमारा यहां पे ओपन हो चुका है, यहां पे ओके कर लेंगे और इसको करेंगे क्लोज। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट एंड्रॉइड टूल के अंदर मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूं। जैसे कि ईएमएमसी के अंदर तो मैंने दिखा दिया, लेकिन अब एंड्रॉइड टूल के अंदर नया अपडेट क्या चीज है मैं आपको ये दिखाने वाला हूं। तो मीडियाटेक के लिए इसने कुछ नया अपडेट दिया हुआ है। जैसे कि मैं आता हूं मीडियाटेक के अंदर, तो मीडियाटेक में आ जाएंगे। सबसे पहले इसने मीडियाटेक के लिए सबसे बड़ा अपडेट दिया हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं बाईपास सिक्योरिटी और कस्टम लोडर। मतलब पहले ये बाईपास जैसा कि हम यूएमटी में करते थे या अनलॉक टूल में करते थे, अब ये यूएफआई के एंड्रॉइड टूल में भी अपडेट आ चुका है कि ऑथेंटिकेशन मीडियाटेक अगर फ्लैश करना है तो आपको कोई फोनों में 10 क्रेडिट का एरर आता था या डायरेक्टली हो सकता था, लेकिन अब यहां पे 10 क्रेडिट का एरर हट चुका है, बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन इसका बाईपास हो जा रहा है मीडियाटेक का। और यहां पे आप जैसे यूएमटी में फ्लैशिंग करते हैं सेम एज यहां पे आप वैसे ही कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है डीए फाइल, तो इसमें सारे डीए फाइल हमारे यहाँ पे लोड है, तो अगर आप अलग से डालना है तो डाल सकते हैं एक्सटर्नल लोडर, अगर आपके पास फाइल में है तो आप ये लोड कर सकते हैं यहां से, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद स्कैटर फाइल आपको यहां से सिंपली यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको एक स्कैटर फाइल लोड करके दिखा देता हूं, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल होगी कुछ स्कैटर, तो यहां 6A का फाइल है कैक्टस MT6165। ठीक है, यहां पे हमने फाइल लोड कर लिए और इसके अंदर जैसा कि आपको मैं यहां पे बता रहा हूं आप डायरेक्टली इसमें फोन को फ्लैश कर सकते हैं। और स्पेशल टास्क में आपको और भी ऑप्शन दिखाता हूं, इसमें और दो ऑप्शंस आ चुके हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर आरपीएमबी रीड एंड राइट का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं सारा प्रोसेस कैसे होगा। तो ये पहले इतने सारे ऑप्शन नहीं आए थे, पहले ये ओप्पो का कस्टम सिक्योरिटी आईएमए पैच और ये मिजू मॉडल का चेंज हार्डवेयर वर्जन, और इसके बाद शाओमी का अकाउंट यहां से भी आप ये कर सकते हैं। उसके बाद वीवो और ओप्पो के लिए विदाउट डाटा लॉस, अगर आपको मीडियाटेक का फोन है तो अगर उसका आपको डाटा बचाना है तो आप यहां से उसका डाटा भी बचा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर जैसे ओप्पो का है
तो आप यहाँ पे ईमीम से निकाल के आईएसपी वगैरह करते थे, लेकिन यहाँ से आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको एकदम नया दिया है यहाँ से कि करने के लिए, और वीवो के लिए भी दिया हुआ है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ओप्पो के लिए क्लियर रीजन लॉक, जैसे कि कोई रेड स्टेट या ऑरेंज स्टेट अगर आता है आप यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ यहाँ से आप उसका आईएमआई की फाइल रीड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से बैकअप एंड इरेज एनवीआरएम फाइल और रिस्टोर भी यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे चीजें इसमें अपडेट हो चुकी है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ बाईपासिंग का जो आ रहा है, आप सिंपली फाइल लोड करके यहाँ पे ब्रांड एंड मॉडल सेलेक्ट कर लेना है और फाइल लोड करके सिंपली फ्लैश कर देना है, तो आपका फोन यहाँ पे जैसे यूएमटी करता है सेम एस ये भी करता है। तो दोनों में आपको दोनों टूलों के बारे में बता दिया, जो ईएमएमसी के बारे में और एंड्रॉयड टूल के बारे में, दोनों टूल में ये अपडेट आ चुका है। और ये अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं और भी अपडेट आएंगे, और हम आपको हर वीडियो में नए अपडेट के टूल के साथ हर वीडियो आपके साथ अपलोड शेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारा न्यू चैनल फोन फिक्स HYD को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा पुराना चैनल आपको पता है कि वो हैक हो चुका है। तो हमारे पास न्यू चैनल है अभी जो चल रहा है, न्यू फोन फिक्स HYD, और इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और हमारा जो बैच अभी जो नेक्स्ट बैच जो बुकिंग चल रही है 27 दिसंबर, तो आप अभी सीट बुक कर सकते हैं अपनी, और उसके बाद वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।